हाय दोस्तों, साळुंखे इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका दोस्त मनोहर साळुंखे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हमारे पास कस्टमर का ये जो केन स्टार का इंडक्शन कुकर आया है दोस्तों, इसका जो प्रॉब्लम है दोस्तों, ये ऑन होता है, फैन भी चल जाता है, लेकिन इसके ऊपर जो हम अभी ये जो बर्तन रखेंगे, कुछ पत्रा रखेंगे, कुछ भी रखेंगे तो गर्म नहीं होता है दोस्तों। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये देखिए यहाँ पे फ्राई ऑप्शन आ चुका है, यहाँ पे 160-1200 वैट का ऑप्शन भी चल चुका है। और दोस्तों, इसका जो अंदर का ये जो फैन है, देख सकते हैं आप, ये देखिए दोस्तों, फैन भी एकदम टकाटक चालू है। इसका मतलब ऐसा होता है दोस्तों, इंडक्शन सब चालू है, लेकिन जो कुछ अपन सब्जी विब्जी हम बनाते हैं वो चलती नहीं है दोस्तों, गर्म नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, तो चलो दोस्तों, हम इसको खोल लेते हैं अभी और इसका फॉल्ट चेक करते हैं, और मैं आपको सब क्लियरली बता दूंगा दोस्तों, कैसा फॉल्ट होता है, कैसे आता है और ये फॉल्ट कैसा निकालता है, हम चेक भी करेंगे दोस्तों। दोस्तों, मैं जो वीडियो बनाता हूँ आपके लिए, मेरा एक ही कहना है दोस्तों, लास्ट तक वीडियो देखिए दोस्तों, और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर देना दोस्तों। मैं इसको खोलते हैं और क्या फॉल्ट है वो ढूंढने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलो दोस्तों, हमने अभी ये जो इंडक्शन कुकर का जो बोर्ड है हम खोल चुके हैं दोस्तों। दोस्तों, कोई मैकेनिक ने इसी बोर्ड को ट्राई भी कर चुके हैं, लेकिन शायद उनसे नहीं बना है दोस्तों। चलो दोस्तों, हम अभी इस पे जो है मॉस्फेट से आईजीबीटी से चालू करेंगे दोस्तों, कि इसका आईजीबीटी अच्छा है नहीं है, पावर सप्लाई वो सब चेक करेंगे। चलो दोस्तों, हम मल्टीमीटर अभी बीप कंडीशन में लगा लेते हैं। ये देख सकते हैं आप दोस्तों, हमने अभी ये जो बीप पे लगा लिया दोस्तों। दोस्तों, कभी आईजीबीटी शॉर्ट होता है तो मल्टीमीटर बीप देता है और 0-0 बता देता है। ठीक है, देखिए दोस्तों, ये जो आईजीबीटी है किसी टाइप से खराब नहीं है दोस्तों। ठीक है, कोई भी खराब नहीं है। और ये जो ब्रिज रेक्टिफायर दोस्तों, यहाँ पे जो हीटसिंक के नीचे जो ब्रिज रेक्टिफायर रहता है वो भी खराब नहीं है दोस्तों, देख सकते हैं आप, कोई भी खराब नहीं। चलो दोस्तों, इसको डायोड मोड पे भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, देखिए कोई भी शॉर्टिंग नहीं है, लेकिन इधर जो है कंटिन्यूटी आ जाएंगे। चलो दोस्तों, कंटिन्यूटी भी आ गई। ठीक है, ये देख सकते हैं दोस्तों, कंटिन्यूटी क्लियर है। इसका मतलब ये है दोस्तों कि इसका जो मॉस्फेट आईजीबीटी सेक्शन है वो एकदम सही है दोस्तों। और पावर सप्लाई के जो वोल्टेज मेजर करेंगे दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं 18 वोल्टेज है, और यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों 5 वोल्ट है, ये भी हम चेक करके लेंगे। ठीक है, जो वोल्टेज है ग्राउंड ढूंढ लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, ग्राउंड भी ढूंढ लिया, ये देख सकते हैं यहाँ पे 5 वोल्ट रहना ज़रूरी है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे 5 वोल्ट एकदम क्लियर है। यहाँ पे दोस्तों देखिए 18 वोल्टेज है, 18 वोल्टेज लिखा है दोस्तों, ऑफ लोड में 19 वोल्ट है, कोई भी दिक्कत नहीं, एकदम अच्छा वोल्टेज दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो फॉल्ट है, ये फॉल्ट है भी तो क्या है दोस्तों, ऐसा कभी फॉल्ट आता है इधर का जो सेक्शन है दोस्तों, ये रेजिस्टेंस भी आप चेक कर सकते हैं, चेक करके झिनर डायोड भी चेक कर सकते हैं दोस्तों। कोई बोले तो कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं मिल सकता, ऐसे कंडीशन में प्रॉब्लम नहीं मिल सकता दोस्तों, फिर भी आप ये जो सब रेजिस्टेंस चेक करके लीजिए दोस्तों। ठीक है, अभी यहाँ पे रहता है दोस्तों, जो मसला रहता है यहाँ पे, जो वोल्टेज यहाँ से जो वोल्टेज बनता है दोस्तों, यहाँ से वोल्टेज, ये जो आईजीबीटी ऑपरेटिंग आईसी ऑपरेटिंग के लिए वोल्टेज यहाँ से जाता है। तो दोस्तों सीधा सीधा तुमने ये सब रेजिस्टेंस चेक करके लेना दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों ये जो रेजिस्टेंस है देख सकते हैं आप, मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ दोस्तों आपको, मैं थोड़ा सा फ्लैश भी लगा देता हूँ। ठीक है, हाँ देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये रेजिस्टेंस है दोस्तों, तो ये रेजिस्टेंस 200 के का रहना ज़रूरी है दोस्तों। ठीक है, और ये जो है दोस्तों रेजिस्टेंस, ये है 390 के का। हाँ ठीक है, तो ये और ये जो रेजिस्टेंस है ये भी 390 के का है दोस्तों, और ये 360 के का है। ठीक है, हम दोस्तों हम अभी ये जो रेजिस्टेंस है इसका एक एक पैर निकाल के हम उसको चेक कर लेते हैं। ठीक है, हाँ
ठीक है दोस्तों, हमने ये जो एक एक रजिस्टर ओपन कर लिया है दोस्तों, इसका और इसका सीरीज है दोस्तों रजिस्टर, और हम इसे चेक करने जा रहे हैं। अभी हम इस पे रजिस्टर पे ले लेते हैं दोस्तों, ठीक है, देख सकते हैं दोस्तों रजिस्टर पे ले लिया। ठीक है दोस्तों, तो इसका कंटिन्यूटी देख सकते हैं आप, देख सकते हैं दोस्तों 199.4, बोले तो बराबर 200 के का रजिस्टर है दोस्तों। इसका एक पॉइंट कभी कम भरता है तो रजिस्टर अच्छा है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अभी ये रजिस्टर देखिए दोस्तों, ये भी 398 के का है। ठीक है दोस्तों, ये भी रजिस्टर ओके है। हम अभी ये चेक करते हैं दोस्तों, दोस्तों इसका जो रजिस्टर बता रहा है, ये रजिस्टर बता रहा है कभी 11, कभी 15, कभी 14 मेगा ओम का बता रहा है दोस्तों, मेगा ओम्स। तो ये रजिस्टर दोस्तों अपना खराब है। ठीक है, अभी ये दोस्तों ये रजिस्टर चेक करते हैं दोस्तों, इसका 360 के होना जरूरी है। तो ये 7.4199 ऐसा कुछ भी वोल्टेज बता रहा है दोस्तों, रेंज बता रहा है दोस्तों, मेगा ओम्स में बता रहा है, ये भी गलत है। ठीक है दोस्तों, तो इस दोस्तों हमें जो फॉल्ट मिल चुका है, खाली ये दो रजिस्टर खराब है, ये जो दो रजिस्टर है हाफ फैट के, ये खराब है दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, हम अभी ये जो दो रजिस्टर है चेंज करके हम अभी चेक करते हैं अपना फॉल्ट निकलता है नहीं निकलता है दोस्तों। दोस्तों इंडक्शन कुकर रिपेयर करना बहुत ही आसान है, खाली उसको हमें जो चेक करना है वो चेक एकदम क्लियरली करना है दोस्तों, अच्छा से देखना है, तो इंडक्शन कुकर एकदम आसानी से बन जाता है, कोई भी दिक्कत नहीं आता है। ठीक है दोस्तों, दोस्तों हम अभी ये रजिस्टर निकालते हैं और दूसरा रजिस्टर डाल के चेक करते हैं। चलो देखिए दोस्तों, ये आप देख सकते हैं एक 360 के का रजिस्टर है और एक 390 के का रजिस्टर है, हमारे पास दो रजिस्टर मौजूद है दोस्तों। ये जो दो रजिस्टर है आप देख सकते हैं, ये दो रजिस्टर खराब है दोस्तों, ये दो रजिस्टर अच्छे। ठीक है, हमें ये रजिस्टर डाल के अभी चेक करते हैं। ठीक है, चलो दोस्तों हमने जो ये जो दो रजिस्टर हैं हम डाल चुके हैं दोस्तों। ठीक है, हम अभी इसको फिट करते हैं और चेक करते हैं दोस्तों, देख सकते हैं आप, ये देखिए ये होगा अपना जो फैन का वायर, और हम अभी सब फिट करके दोस्तों चेक करेंगे और आपको चेक करके भी बताएंगे दोस्तों। इसका जो वोल्टेज कंटिन्यूटी चेक करने के बाद में ऐसा लगता है दोस्तों, दो रजिस्टर ने खाली हमने खाली दो रजिस्टर डाला दोस्तों, एकदम जो अपना सेट इंडक्शन कुकर का ओके हो चुका है दोस्तों, ऐसा कभी फॉल्ट आता है तो बस दोस्तों यही चार रजिस्टर पे आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ये चार रजिस्टर में फॉल्ट निकलना है, इधर का रजिस्टर भी चेक करना है दोस्तों। जब तुम्हारा आईजीबीटी अच्छा हो, ब्रिज रेक्टिफायर अच्छा हो, पीएफ अच्छा हो, पावर सप्लाई 18.5 वोल्ट आता हो दोस्तों, तो यही रजिस्टर में आपका प्रॉब्लम जो है निकलना चाहिए दोस्तों। ठीक है, हम अभी चेक करते हैं दोस्तों, इसको फिट करते हैं और चेक करते हैं और आपको बता देते हैं दोस्तों। ठीक है, चलो दोस्तों हमने अभी ये जो इंडक्शन कुकर है सब फिट करके लिया है दोस्तों, और हम अभी ये जो डब्बा रखा है उसमें पानी है दोस्तों, हम अभी आपको चेक करके बता देते हैं। देखिए प्लग लगा चुके हैं हम, इधर देख सकते हैं दोस्तों, ये देखिए ऑन ऑफ का लाइट भी आ चुका है दोस्तों, ये देखिए दोस्तों हमने ऑन कर दिया, और ये देखिए दोस्तों इधर इधर दिखाइए ज़रा, ये देख सकते हैं दोस्तों आप, पानी जो उबालना है दोस्तों चालू हो गया दोस्तों। ठीक है, देख सकते हैं आप, देखिए दोस्तों मुझे जो आप रिस्पांस देते हो दोस्तों वो भी मेरे लिए बहुत ज़रूरी है दोस्तों, मुझे बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों पानी उबालना चालू हो चुका है बहुत दोस्तों, हमारा ये जो इंडक्शन कुकर है एकदम 100% ओके हो चुका है दोस्तों, बस दो रजिस्टर डाला दोस्तों आपका।